सो हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड असुरी। वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट 12.1। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करेगा क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें चैप्टर का जो मेन जिस पे बेस पे चैप्टर चलेगा वो इस लेक्चर में बताऊंगा। तो इस तरह से आपका जो ये वाला लेक्चर है इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो दोस्तों सॉलिड को हम कहां से हमने स्टार्ट कहां से होगा सॉलिड, तो हमने क्लास 9th में मैटर पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें बताया गया था कि मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, आउट ऑफ विच लिक्विड एंड गैस वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11 फिजिक्स, और सॉलिड हमको अभी स्टडी करना है। लेकिन जो हमें सॉलिड स्टडी करना है ना दोस्तों, इस सॉलिड में हमें इस चैप्टर में अरेंजमेंट, जो सॉलिड है कैसे अरेंज होता है उसके बारे में स्टडी करना है। जो मेन इसका मोटिव है इस चैप्टर का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो कॉन्स्टेंट पार्ट जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, उसके अरेंजमेंट के ऊपर इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। मतलब सॉलिड का मेन बेसिस है इस चैप्टर का अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन द सॉलिड। तो ये बात आपने माइंड में डालने कि जो सॉलिड है उसका अरेंजमेंट के बारे में आपको सारी थिंकिंग अरेंजमेंट से लेके चलनी है। तो दोस्तों हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं सॉलिड की, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट। तो दोस्तों सॉलिड हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ऐसे ही आपके और भी जो आयंस और जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं आपके इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के अंदर। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या हुई, दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है हमारे क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, और एक दूसरे से बंधे हुए हैं बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिस फोर्स से, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, वो दो सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में स्पेस आप देखें बहुत कम, मतलब एक ये अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, इतना माइन्यूट स्पेस है इसके अंदर। जबकि आप लिक्विड में देखो स्पेस है, ऐसी गैस में स्पेस है, मतलब ये क्लोजली पैक्ड है, ये इतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो ये अंतर है सॉलिड, लिक्विड और गैस में ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में, जो आप जिसके आप पहले से फैमिलियर होंगे कुछ प्रॉपर्टीज के से। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड है फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम, सॉलिड की फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम होता है, ये हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही रहेगी। सेकंड, अगर आपको सॉलिड को मेल्ट करना है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आप ब्रिक, जैसे ब्रिक होता है हमारा पत्थर जो होता है, आप क्या उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, तो मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, लो हो गई। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉलिड है लो कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हम आते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, जो मॉलिक्यूल्स है बाइंड है एक दूसरे से, आप देख सकते हैं, जबकि लिक्विड और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्थ पॉइंट हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं जो इंटरएटॉमिक स्पेस है, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो रही है, हमारे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो रहे हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस देख लो, इंटरएटॉमिक स्पेस इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बस वॉइड है बीच में, थोड़े थोड़े वॉइड है, मतलब इतना स्पेस है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, बस वाइब्रेट हो सकते हैं, ऑसिलेट हो सकते हैं, जबकि लिक्विड अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, गैस भी, तो स्पेस इसमें बहुत कम है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। अब हम सिक्स पॉइंट की तरफ आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड आर रिजिड। तो दोस्तों रिजिड वो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकते, तो सॉलिड में रिजिड कैसे आया,
तो मैं बताता हूँ सॉलिड में रिजिड कैसा आया। रिजिड इसलिए आया क्योंकि सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास इतना स्पेस ही नहीं है। आप खुद ही देखो, जो फर्स्ट पार्टिकल है क्या वो थर्ड पार्टिकल की पोजीशन में चेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? इतना स्पेस ही नहीं है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। जबकि ये वाला पार्टिकल इधर आ सकता है, क्यों? ये मूवमेंट कर सकता है, इनके पास स्पेस है। तो सॉलिड को रिजिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव फिक्स पोजिशन, दे कैन ओनली ओसिलेट, मतलब हिल सकते अपनी पोजिशन पे लेकिन मूव नहीं कर सकते। तो दे हैव फिक्स पोजिशन, दे कैन ओनली ओसिलेट टू देयर मेन पोजिशन। तो ये हमारा पूरा बेसिक आपको मैं एक बार फिर रिव्यू करवा देता हूँ सॉलिड, जिसमें क्लोज एक बार क्विक रिव्यू करवाता हूँ आपको। सॉलिड आर दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनका जो अरेंजमेंट है क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लोजली पैक्ड है। मैटर की थ्री स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। इस चैप्टर में हमें अरेंजमेंट के बेस पे चलना है। प्रॉपर्टीज, सॉलिड है फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इजिली आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते तो है लो कंप्रेसिबिलिटी होगी। फोर्थ पॉइंट, हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। और सिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड आर रिजिड बिकॉज दे कैन नॉट चेंज, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन बट कैन ओनली ओसिलेट टू देयर मेन पोजिशन। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है सॉलिड स्टेट का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारी अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्वेश्चन आए, तो उस लेक्चर को, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा लेक्चर तो दोस्तों लाइक जरूर करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, उस आपके आंसर का देने आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को शेयर ज्यादा करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।